स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। अगौता थाना क्षेत्र के गांव रहीमपुर बहगवा में इलाहाबाद बैंक की शाखा का बैंक मित्र खाता धारकों का लाखों रुपया लेकर फरार। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव रहीमपुर बहगवा में इलाहाबाद बैंक अगौता की मिनी शाखा है, जिस पर कई गांव के खाते खुले हुए हैं, जिसका संचालन सुनील कुमार पुत्र महेंद्र सिंह कर रहा है तथा उसके साथ सुमित कुमार पुत्र दीपचंद सिंह भी मिनी शाखा पर कार्य करता है। लेकिन 3-4 दिन से दोनों ही लोग मिनी शाखा पर ताला लगाकर फरार हो गए हैं। जब ग्रामीणों को शक हुआ तो उन्होंने इलाहाबाद बैंक अगौता पर अपने खाते चेक कराए तो उसमें बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। बैंक मित्र ग्राहकों से पैसे लेकर उनकी बैंक पासबुक में हाथ से एंट्री कर देता था, लेकिन वह पैसे ग्राहक के अकाउंट में जमा नहीं करता था। इस मामले का भंडाफोड़ तब हुआ जब एक खाता धारक अगौता के इलाहाबाद बैंक से 50,000 रुपए निकालने गया और उसको पता चला कि उसके खाते में केवल 3,200 रुपए हैं, जबकि उसकी बैंक पासबुक में 3,93,681 रुपए की एंट्री थी। जब इसकी जानकारी और खाता धारकों को हुई तो उन्होंने भी अपना बैंक खाता चेक कराया, उसमें भी यही गड़बड़ी निकली। खाता धारकों ने इसकी जानकारी इलाहाबाद बैंक के मैनेजर को दी। मैनेजर ने सभी खाता धारकों की बैंक पासबुक की फोटोकॉपी व एक एप्लीकेशन ली है, जिसकी वह अपनी शाखा में जांच कर रहे हैं। मेरे नाम आलमगीर। आप जो इलाहाबाद बैंक अगौता पर इकट्ठा हुए हैं सारे लोग, क्या कारण है? अब ग्राम रहीमपुर बहगाव में अगौता की सहशाखा है, इसका बैंकमित्र सुनील कुमार है, सुनील कुमार वर्मा। कौन से बैंक की शाखा है? इलाहाबाद बैंक अगौता। उसने पब्लिक अपने ग्राहकों का लाखों रुपए, लगभग 80 लाख रुपए करीब गबन कर लिया है और गबन करके भाग चुका है। कैसे कैसे गबन करा है? गबन किया, पैसा जमा करके पासबुक में लिखता रहा, लेकिन उसने अपने सर्वर में वो नहीं फीड किया। पब्लिक को जैसे पता चलता गया वैसे वैसे पब्लिक उसके पास पहुंचती गई, लेकिन अब उसने देने से पहले कहता था कि सबका पैसा मिलेगा, लेकिन अब उसने देने से मना कर दिया है, इसलिए पब्लिक यहाँ इकट्ठी हुई है। तो आपने इसकी शिकायत कहीं किसी उच्च अधिकारी से किया क्या? इसकी शिकायत अभी तक किसी से नहीं की है, क्योंकि अगौता ब्रांच के जो मैनेजर साहब हैं, इन्होंने जिम्मेदारी ली थी गांव में जाके पूरे गांव के सामने कि तुम मुझे एप्लीकेशन लिख के दो और 15 दिन का टाइम दो, मेरी जिम्मेदारी है, 15 दिन के बाद मैं सभी के पैसे दिलवा दूंगा। लेकिन अब मैनेजर साहब ने भी अपनी जिम्मेदारी लेनी। मेरा नाम प्रेम सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मतलब टांडा के हैं। यहाँ की अगौता इलाहाबाद बैंक की जो शाखा है हमारे गांव रहीमपुर बहगवा में, उसमें हमारे भी पिताजी का और माताजी का खाता आज, उसमें हमारे पिताजी और माताजी के खाते से अगर हम दोनों को मिलाकर देखते हैं तो हमारा 2 लाख रुपए का गबन है जी खातों में। किसने गबन करा जी? ये हमें तो लगता है कि मैनेजर साहब भी हैं और सुनील भी है, जो वहाँ का बैंक मित्र है, दोनों मैनेजर हों या कैशियर हों और सुनील हो, सारे लोगों ने मिलकर हमारे पैसे का गबन किया है। सर एक किसी एक गांव की बात नहीं है, ये 5 गांव हो रही। कौन कौन से गांव? ये है गांव अहमदपुर टांडा है, रहीमपुर बहगवा है, गांव मोहली है, मासरा है और नंगला है। ये 5 गांवों का गबन है जी, कम से कम करोड़ों रुपए का गबन कर दिया है। कितने ग्राहकों का गबन करा होगा जी? कम से कम 300 ग्राहकों का। 6,000 खाते। कितने खाते हैं? 6,000 खाते। 6,000 खातों में जो करीब कितने खातों में गबन करा होगा? लगभग किसी से सर 1,000 रुपए से लेकर के 4-4, 5-5 लाख रुपए तक का गबन किया है। और मैनेजर साहब हमें यहाँ बुला के लाया कि चलो थाने चल रहे हैं, तुम्हारी FIR कराएंगे, लेकिन यहाँ पे अपना पल्ला झाड़ लिया, मुकर के अपनी स्तर से जो भी कार्रवाई करना चाहो वो कर सकते हो, हमारे कोई जिम्मेवारी नहीं है। सर ये जो मैनेजर साहब हैं, इन्होंने ही तो सुनील को बैठाया, हमने इलाहाबाद बैंक के लिए पैसा दिया, सुनील के लिए नहीं दिया हमने, अब इन्होंने ही तो बैठाया है, हमें क्या पता चोर को बैठाया या किसी साहब को बैठाया। अब तो ये जाने बैंक वाले जाने हमारा पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, बताओ इनसे जिम्मेवारी, ये अपना पल्ला झाड़ने हम कहाँ जाएंगे। आपने आपने
किसी उच्च अधिकारी से इसकी शिकायत की थी क्या? अभी नहीं की है। नहीं जी, अभी नहीं की है। अब तो सिर्फ मैनेजर से यहाँ पे हम अगोता बैंक में आते हैं, 3-4 बार आ चुके हैं सर। इनका गमन तो यहाँ से पकड़ा जाता है कि लगभग 3 महीने से मैं यहाँ पे कई बार बैंक में आ चुका हूँ कि भाई हमारी एंट्री कर दो, तो यहाँ पे जब भी आता हूँ 3 महीने से प्रिंटर खराब है, प्रिंटर खराब है।